आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोब पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक की बात करेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो जो लोग मुंबई के रहने वाले हैं उनको बहुत बहुत बधाई। और एक समुद्र पे पुल बना दिया गया है, सबसे बड़ा पुल है ये। मैं अभी हाल ही में गया था रामेश्वरम, तो वहाँ पे पंबन ब्रिज है जो कि इंडियन ओशन के ऊपर है। बट प्रॉब्लम ये है कि वो अभी पंबन ब्रिज, अभी मंडपम तक की ट्रेन जाती है, पंबन ब्रिज का काम चल रहा है, अगले 6-7 महीने लगेंगे उसको खुलने में। तो मैं तो खैर ब्रिज वो रोड वाले से गया था, बट रेलवे वाले का जो एक्सपीरियंस है वो अलग ही है। बट वो मैं नहीं जा पाया था क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम का काम चल रहा है। तो अभी मुंबई का ट्रांस हार्बर लिंक इट इज ओपन, ठीक है, इसको ओपन कर दिया गया है। और पीएम मोदी जो है सैटरडे को यानी कि कल इसको इनॉग्रेट करेंगे, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, MTHL मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। तो इसकी कहानी हम जानेंगे। देखिए अगर पूरे मुंबई की बात करें तो आपको पता ही है कि मुंबई में अलग अलग, राजा भीमदेव की तो कैपिटल थी माहिम, तो अलग अलग जितने भी, जैसे मौर्यन एम्पायर से शुरू होता है, दिल्ली सल्तनत से पूरा मुगल तक जाता है ये। तो मुंबई, आज का जो मुंबई है, लगभग 650 स्क्वायर किलोमीटर पे फैला हुआ है और काफी लोग रहते हैं यहाँ पे। मैं पॉपुलेशन तो एग्जैक्ट भूल गया हूँ, शायद कितनी 10-12 करोड़ है, आप देख लीजिएगा एक बार। तो मुंबई में काफी लोग रहते हैं, काफी बड़ा शहर है मुंबई। इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, सपनों का शहर। दिल्ली के बाद अगर कोई भारत में कैसा शहर है जहां से सब कुछ चल रहा है तो वह मुंबई। मेरा कहने का मतलब है कि जब भी हम मुंबई, यार मुंबई, मुंबई एकदम बॉलीवुड से रिलेटेड है, तो मुंबई एकदम मतलब जबान पे बसा हुआ है। तो बेसिकली मुंबई ऐसे था नहीं, ठीक है, मैंने इसकी इतिहास कई बार कवर किया। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स का हमने शानदार कोर्स लॉन्च कर दिया सिर्फ 770 रुपए में, जिसमें आपको 200 प्लस घंटे लाइव लेक्चर्स मिलेंगे और इस पर सवाल डिस्कस किए जाएंगे। स्टैटिक पोर्शन भी कवर होगा, करंट अफेयर्स भी कवर होगा, 6 महीने की वैलिडिटी है। यूपीएससी की टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी 25 से 35, करंट अफेयर्स सीसैट आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस होगा ही, और गाइडेंस, स्पेशल गाइडेंस मेरी तरफ से भी मिलेगी, बाकी सारे टीचर्स की तरफ से मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप आप जब ज्वाइन करेंगे तो 22 जनवरी से क्लास शुरू हो रही है, फटाक से कोर्स को अवेल करो। तो अगर मुंबई की बात करें तो इसको बेसिकली ब्रिटिशर नहीं बसाया है, पहले ये 7 आइलैंड हुआ करता था, ठीक है, इट वॉज 7 आइलैंड, ठीक है। और 7 आइलैंड की अगर बात करें तो देखिए, चलिए मैं याद करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। एक तो है मालाबार, मालाबार हिल्स, जबकि जितने भी आइलैंड है यहाँ पे घर बड़े महंगे हैं, तो जितने भी आप अमीर अमीर लोगों के देख रहे हैं ना, तो यहीं पे समुद्र के किनारे घर हैं। फिर आपका माहिम है, वर्ली, उसके बाद कोलाबा और लिटिल कोलाबा जिसको वुमेन्स आइलैंड भी कहते हैं, फिर मुंबई, आइलैंड ऑफ मुंबई, आइल्स ऑफ मुंबई, एक ये आइलैंड है और एक और है, दो और हैं, मैं भूल गया नाम, चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो बेसिकली 7 आइलैंड्स हैं अगर हम बात करते हैं। माजगांव, एक माजगांव है, ठीक है, और एक डोंगरी, यस याद आ गया। तो ये है टोटल 7 आइलैंड्स। तो अब यही, ये तो 7 आइलैंड है, लेकिन इसको कंसोलिडेट ब्रिटिश ने किया, कनेक्टिविटी बढ़ाई, रैंड रिक्लेमेशन प्रोसेस उन्होंने शुरू किया। और 1660 में तो यहां पे कोई, क्योंकि आइलैंड थे तो कुछ खास बसावट नहीं थी, बहुत बुरी हालत थी मुंबई की। लेकिन फिर ब्रिटिश ने ट्रेड के लिए इसको धीमे 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 डेवलप किया, कनेक्ट किया, सारे आइलैंड्स को कनेक्ट किया, और फिर एक ग्रेटर मुंबई का जन्म होता है, ओके। और आज हम सबको पता है कि मुंबई सपनों की नगरी है, एक ऐसा शहर है जो कभी रुकता नहीं है, वो चलता ही रहता है। अब वैसे आज आपको बता दूं, स्वच्छ सर्वेक्षण सिटी अवार्ड्स मतलब घोषित किए गए, तो उसमें महाराष्ट्र इज ऑन द नंबर 1, जो क्लीनेस्ट स्टेट की बात करें। तो अभी बहुत सारे सीलिंग्स जो हैं वो बनाए गए थे, ठीक है, ये देख सकते हैं ना, ये पूरा खूबसूरत, बहुत ही सुंदर है। सीलिंग मतलब क्या है कि देखिए, अब समुद्र आइलैंड क्या होता है ना, कि जैसे आप ये समझिए कि समुद्र तो है, बट समुद्र पे आइलैंड्स हैं और आइलैंड्स इंटरकनेक्टेड है, तो जोड़ने के लिए मतलब एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड, या हो सकता है क्रीक हो, कोई क्रीक, आप समझते हो कि जैसे समुद्र का पानी अंदर आ गया, तो जैसे एक जगह से दूसरी जगह बीच में समुद्र का पानी, या जो भी स्ट्रीम है, रिवर है, ठीक है, तो उसको जोड़ने के लिए, इन दोनों जगहों को जोड़ने के लिए एक पुल बनाया जाता है। तो यहां पे पुल बनाया गया है। अब बड़ी बात यह है कि पुल क्यों बनाया जा रहा है, ब्रिज क्यों बनाया जा रहा है, ये लिंक क्यों है, ये इसीलिए ताकि आपका समय बचे। अब अजीब बात यह है कि इसमें बाइक्स नहीं अलाउड है, इसमें भी सिर्फ कोई मतलब ट्रक नहीं अलाउड है, इसमें बस कार अलाउड है, ठीक है। तो अब 250 रुपए का टोल भी है क्योंकि ये वसूलना भी है, लेकिन फिर भी दोस्तों ये लिंक बड़ा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, लॉजिस्टिक्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो अगर बात करते हैं तो ये नरेंद्र मोदी कल इसको इनॉग्रेट करने वाले हैं, और अभी तक ये सबसे बड़ा ब्रिज है, ठीक है, भारत में। अगर सी लिंक की बात करें तो 22 किलोमीटर का मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है जो कि नई मुंबई को कनेक्ट करेगा, अटल सेतु नेवा शेवा, सी लिंक इसका नाम है, ठीक है।
और ब्रिज इसको 60 साल पहले इसको कंसेप्चुलाइज किया गया था। आपको पता है 60 साल पहले 20 मिनट का टाइम जो है वो आपका घटा देगा, ठीक है। वर्ली से सेवड़ी से चिरले अगर आप जा रहे हैं तो 20 मिनट कम लगेंगे। देखिए जैसे दिल्ली में दिल्ली एनसीआर है, गाजियाबाद, नोएडा, वो सब दिल्ली के ही पार्ट है। ऐसे अगल बगल भी काफी रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, वो भी मतलब मुंबई का पार्ट है क्योंकि बगल में ही है ना। और उसके बाद आगे चले जाएंगे तो आप गोवा के लिए निकल जाएंगे। तो इस तरीके के लिंक्स जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। जब मैंने इसको देखा, मैं गया नहीं हूं, बट जब मैंने तस्वीरों में देखा, मैंने कहा वाह क्या बात है। तो इंजीनियरिंग का एक नमूना है, इस तरीके से कुछ ये दिखेगा। बहुत सारे से वायर डक्ट्स दिए गए हैं, ठीक है, यही 5.5 किलोमीटर के टोटल है। और वैसे तो पूरी लेंथ इसकी 22 किलोमीटर की, इस तरीके का कुछ होगा ये, ठीक है। शाम को ऐसा दिखेगा। 250 रुपए आपको प्ले करने पड़ेंगे भाई, टोल है। आपको बता दूं कि 21,000 करोड़ का खर्चा आया है, तो भाई वसूलेंगे तो है ही ना, पैसा तो लेंगे, कहां से इतना ज्यादा खर्चा आया इस प्रोजेक्ट पे। बहुत समय तक ये काफी 60 सालों से प्रोजेक्ट अटका रहा, इसको बनाए ना बनाए, रिलायंस आया फिर हट गया, फिर जापान वाले आए, जापान और महाराष्ट्र ने मिलकर इसको बनाया, तो अच्छा खासा खर्चा आया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर आपको आगे निकल जाना है तो आप आगे निकल जाइए। हालांकि ये अलग अलग तरीके से जोड़ रहा है, ठीक है, इधर से भी जोड़ रहा है, फिर इधर डक्ट से जोड़ रहा है, तो ये बहुत एक तरीके से रोड्स का नेटवर्क ऐसा ही होता है। तो ये जो नया सी लिंक है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTH, ये 22 किलोमीटर का है, ठीक है ना, और 6 लेन्स है इसमें, 6 लेन्स, समझ रहे हो, दोनों साइड से 6 लेन्स है। थाने क्रीक, जो कि थाने की तरफ आप जाओगे तो बीच में, वही मैंने बताया ना कि क्रीक आपको बता दिया कि बड़ी वाटर बॉडी, समुद्र का पानी अंदर आ गया है ना, तो ये थाने क्रीक को जोड़ेगा एक जगह से दूसरी जगह से। सेवड़ी जो कि अगेन आइलैंड है मुंबई में, टू चिरले, ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है, और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट थोड़ा सा ही दूर है, ज्यादा दूर नहीं है। तो सेवड़ी से चिरले को ये जोड़ेगा, ओके। तो बेसिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपको एक लंबा रूट लेके जाना पड़ता था, 61 मिनट अभी तक आपको लगते थे, अब इसके खुलने के बाद आपको 45 मिनट लगे, यानी कि आपके 15 से 20 मिनट आराम से जो है वो बच गए। बट जाम की प्रॉब्लम होती है, जो ट्रैफिक जाम लगता है वो है, और मुंबई में अच्छा खासा लगता है, आपके लगभग 1.5 घंटे तक बच सकते हैं, बढ़िया है। तो इसमें 16.5 किलोमीटर का सी लिंक है, और जो वायाडक्ट है जो मैंने आपको बताया वो लगभग 5.5 किलोमीटर का है, सो दैट मेक्स टोटल ऑफ 22 किलोमीटर। ऑब्जेक्टिव क्या, वही है कि जितना हो सके मुंबई की कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए, शानदार किया जाए। अब आपको पता है कि मुंबई आ जाता है, ठीक है, थाने आ जाता है, पालघर आ जाता है, रायगढ़ आ जाता है, सब मुंबई के आसपास के ही एरिया है, तो इनको इनका कनेक्शन अच्छा हो, क्रीक्स बहुत सारी है, वाटर बॉडीज हैं, तो एक दूसरे से कनेक्टेड रहे, कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर पुल नहीं होगा तो लंबा रास्ता लेके जाना पड़ेगा, जो कि आपके टाइम को काफी वेस्ट करता है। और आपको पता ही है कि टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइम है तो पैसा है ना, ये चीज है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा ही होगा, इन लिंक्स की सबसे बड़ी बात यही होती है कि भाई कनेक्टिविटी बढ़िया है तो कोई भी सामान आ सकता है, जा सकता है। MTHL जो है ये मुंबई और नवी मुंबई को और ज्यादा क्लोज ले आएगा, नवी मुंबई अलग है, मुंबई अलग है, दोनों को एक ब्रिज जोड़ता है, ठीक है। तो यहां पर ट्रैवल टाइम जो है वो घटेगा, और जो नए रूट है ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये देखिए, ये वर्ली यहां का, ये बांड्रा जो जितने भी, ये जो आपको समुद्र के किनारे जितने भी एरियाज आपको दिखेंगे ना, वो प्रीमियम एरियाज होते हैं। शाहरुख खान का भी शायद कहां, वर्ली में कि बांड्रा में, ठीक है, बांड्रा सी लिंक, वहीं पे जितने भी मूवी स्टार है ना वो यहीं पे ही, बिजनेसमैन मूवी स्टार, यहां पे बहुत समुद्र के सामने है ना, मन्नत समुद्र के सामने है शाहरुख खान का, तो समुद्र के सामने वाले एरिया या बगल वाले एरिया बड़े महंगे, और सारे सुपर स्टार्स आपको यहीं पे ही मिलेंगे, क्रिकेटर्स आपको यहां पे मिलेंगे, बिजनेसमैन आपको यहां पे मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये है आपका चिरले, ठीक है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, और ये मुंबई में आपका सेवड़ी है, और इधर से ये वर्ली है, वर्ली से आइए सेवड़ी से होते हुए पूरा, अब ये देखिए सीलिंग क्रीक, ये क्रीक रही आपकी, और ये होते हुए आप चिरले आराम से जा सकते हैं, ठीक है। तो ये मस्त है, बढ़िया है। अब 38 किलोमीटर इज द ट्रैवल डिस्टेंस अगर बात करते हैं, ठीक है, सो 38 टोटल डिस्टेंस जो है वो 38 किलोमीटर है, मतलब अगर एक एंड से दूसरे एंड जा रहे हैं, बट टोटल जो MTHL की लेंथ है वो 22 किलोमीटर, मतलब अभी आपको 38 किलोमीटर तक ट्रैवल करना पड़ता है, और ये खुलने के बाद आपको 22 किलोमीटर तक ट्रैवल करना पड़ेगा। कहने का मतलब है जो घूम घूम के रास्ता दूसरा ब्रिज आपको पकड़ना पड़ता है वो 38 किलोमीटर का, तो यहां से 16 किलोमीटर का 16 किलोमीटर अच्छा खासा टाइम होता है, ये कट जाएगा। उसके बाद एवरेज ट्रैवल टाइम, जैसा कि हमने बताया कि देखिए मेन ये होगा, 1 घंटे से 1.5 घंटे आप पीक आवर्स में बचा सकते हैं, यानी कि जब बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगेगा तो आप इसको पकड़ के निकल जाइए। फिर उसके बाद ये काफी ज्यादा नियर है, क्योंकि देखिए चिरले से ही मुंबई से पुणे एक्सप्रेस वे, पुणे से गोवा, खूबसूरत, और फिर लोनावला, खंडाला, अलीबाग, यहां से रोड्स जाती हैं,
ठीक है, तो चिरले रायगढ़ होते हुए ही आप जाएंगे, तो भाई इस रोड से जब ये लिंक ओपन होगा तो यहां का भी तो डिस्टेंस घटेगा, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद फिर वही है कि इट विल ईज जो साउथ मुंबई पॉश एरिया माना जाता है, वहां से एयरपोर्ट, अभी नया एयरपोर्ट नवा सेवा में खुलने वाला है, उसका भी डिस्टेंस जो है वो कम होगा। अब आइडिया इसका 1963 में आया, तो 1963 में, 60 साल पुराना भाई। उस समय अमेरिकन कंस्ट्रक्शन विल्बर स्मिथ ने बोला था कि चलो बनाते हैं भाई एक लिंक, लेकिन बोला है चढ़ यार बहुत खर्चा आ जाएगा, तो इसको प्लान ड्रॉप कर दिया गया। लेट 90s में फिर से इसको रिवाइज किया गया और पहला टेंडर निकाला गया 2006 में। टेंडर निकाले जाते हैं भैया, सिद्धांत अग्निहोत्री की कंपनी है, बोलेंगे टेंडर निकलेंगे, हम पहुंच जाएंगे कि भैया हमको पैसा दे दो, मतलब हम पैसा दे रहे हैं, हम बना देंगे, बदले में जो प्रॉफिट हो वो हमको देना, थोड़ा बोरा जो भी बचे। 2008 में अनिल अंबानी की हालत बहुत अच्छी, आपको पता, खैर छोड़िए, अच्छा तो अनिल अंबानी की जो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, उन्होंने ये टेंडर लिया, उनको दिया गया। 6,000 करोड़ उसमें लगने थे, लेकिन आपको बता दूं पीपीपी मॉडल पे बनना था, बट अंबानी ने इस प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिया। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी नहीं, अनिल अंबानी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है उससे हाथ खींच लिया गया। उन्होंने बोला कि भैया हम तो नहीं बताएंगे, तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया गया। अब उसके बाद महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है ना, यहां पे मतलब ये एमएसआरडीसी ने सब कुछ इनको दे दिया, एमएमआरडीए, कि मुंबई वालों तुम संभालो, ठीक है भैया देखो महाराष्ट्र हमको सब कुछ देखना है, तो एक काम करो जो मेट्रोपॉलिटन रीजन है जो आप डेवलप करते हो रोड को तो आप देखो, तो एमएमआरडीए को पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया। उसके बाद फिर एमएमआरडीए जब जैसे ही आया, एमएमआरडीए ने बोला कि चलो काम करना शुरू करता, सीधा जापान को कनेक्ट किया, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी जीआईसीए को लेके आए, और जीआईसीए ने बोला अरे टेंशन नहीं है भाई, हम 80% पैसा देंगे, टेंशन क्या बात है। तो जापान ने बड़ी मदद की है, और जापानी तो जापानी है भैया, क्या बताएं। तो अब उसके बाद फिर जो डील है फाइनल हुई, और उसके बाद 2017-18 में काम कमेंस हुआ और कंप्लीट हो गया। लगभग 21,200 करोड़ का अभी तक टोटल खर्चा आया है, जिसमें से 15,100 रुपए जापान ने दिए। लेकिन बेटा ये लोन है, ये मत समझो कि जापान ने फ्री में पैसा दे दिया, लोन है आपको चुकाना है। तो अब यहां पे MTHL को भी अपना पैसा निकाले, तो 250 रुपए का टोल है बेसिकली, ठीक है। तो आप MMRDA और GIC स्टडी कंडक्ट की थी, तो एवरेज टाइम काफी ज्यादा घट जाएगा। 40,000 व्हीकल्स जो है, जैसे ही लिंक खुलेगा मान के चलिए कम से कम 40,000 व्हीकल्स यहां पर आवाजाही करेंगे, तो अच्छी बात है। इनको 250 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो करोड़ों का प्रॉफिट जो है वो होने वाला है। प्रॉफिट से बड़ी बात यहां पे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद फिर ग्रेटर इकोनॉमिक जो इंटीग्रेशन है वो पनवेल हो गया, अलीबाग, पुणे, गोवा, नवी मुंबई, क्योंकि ये सब पोर्ट एरियाज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और पोर्ट एरियाज में सबसे शानदार कनेक्टिविटी, सबसे जरूरी कनेक्टिविटी रहती है, ठीक है। तो ये कनेक्टिविटी जो है वो इंप्रूव करेगा। अभी मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे, मुंबई गोवा हाईवे, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है, और साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट, मैंने बताया ना कि ये पोर्ट, यही ट्रेड होता है यहां से, ये सब पोर्ट्स हैं, और जिसने ट्रेड को कंट्रोल कर लिया खेल खत्म। अब बड़ी बात यह है, जो सवाल है, जो चैलेंजेस है, 250 रुपए का वन वे क्रॉसिंग का टोल है, यानी कि दो वे 500 रुपए आपको देने पड़ेंगे अगर आप दोनों साइड से आ जा रहे हो, तो ये थोड़ा सा ज्यादा है। क्योंकि देखिए अभी शिवाजी नगर और चिरले की बात करें तो यहां पे 10 किलोमीटर दूर है वो, जहां पे आपको जाना है एक बार ब्रिज क्रॉस के, तो आपको और 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा। साथ ही साथ जहां यहां पे कोई ना ही बस अवेलेबल है ना कुछ अवेलेबल है, और अभी तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो अलाउ नहीं किया है, तो ये एक बड़ा क्या कहते हैं कि एक बड़ा मतलब चैलेंज है कि इसको कैसे, मतलब आगे जाके इसको कैसे वो करेंगे, ठीक है। बट ठीक है, जो है सो है, अच्छी बात है, ये ट्रांसपोर्ट लिंक इंपॉर्टेंट रहेगा और आगे आने वाले समय में मेरे ख्याल में सब कुछ अलाउ ही करेंगे यहां पे। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा, बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।